السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدها النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر فاتخذ مكان الشأب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. बुलगुल मार बिनिल इक्कीस अभी आपके सामने पढ़ी गई है और ये बाप की आखिरी रवायत है बाबुलानिया बर्तनों का बयान तो ये बाप की आखिरी रवायत है हदीस के रवी हजरत अनस बिन मालिक रजी तो है मशहूर साहबी हैं अल्लाह के नबीत के खादियों में आपका तस्करा जिक्र होता है नबी के खादिम थे बयान करते हैं कि नबी ये और दाल दोनों पे फतेद की मानी होता है छोटा प्याला इनकसर, 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 इन कसरा इनके साथ इन फ़ियाल से फ़ियाल से माना होगा टूटना इन कसरा टूट गया इनका का माना होता है टूट गया बाब इफ्तियाल से इसका माना होता है बनाना इतन इसका माना होगा बनाना मकान शाबी मकान माने जगह मकान शाबी टूटी हुई जगह मकान शाबी टूटी हुई जगह यानी बर्तन टूट जाए फूट जाए उसको कहते हैं अरबी जुबान में साबम, मकान शाबी का माना होगा टूटी हुई जगह सिलसिला सिलसिला माने होता है जंजीर तार मिनफिक वाह फि माने चादी हदीस का तर्जमा देखिए हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआलाहु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला टूट गया अन अन कदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकसर बयान करते हैं कि नबी का प्याला कदह नबी नबी का प्याला इनकसर टूट गया अन कदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकसर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि का प्याला टूट गया फतखद बनाया लगवाया मकान शाबी टूटी हुई जगह पर फता मकान शादी तो लगाया या बनवाया टूटी हुई जगह पर क्या बनवाया क्या लगाया सिलसिलत मिनफिका चांदी का तार चांदी का तार यानी जो चांदी होती है ज्वाइंट करने के लिए तार का इस्तेमाल किया जाता है तो वो प्याले को जोड़ने के लिए ज्वाइंट करने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया चांदी का तार लगवाया तो प्याला क्या हो गया ज्वाइंट हो गया मिल गया तो चूँकि अगर बर्तन टूट जाए तो इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं चूंकि वो टूट गया तो उसमें खा नहीं सकते पी नहीं सकते हैं लेकिन जब प्याले को जोड़ दिया जाए ज्वाइंट कर दिया जाए तो बर्तन काबिल इस्तेमाल होता है तो नबी सलम का प्याला टूट गया यानी नबी सलाम का एक बर्तन था एक प्याला था वो टूट गया अब टूट गया तो अब टूटने के बाद बर्तन नाकाबिल इस्तेमाल होगा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं क्योंकि सब नीचे आ जाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को जोड़ दिया तो अब जोड़ा कैसे कौन सा आ, मसाला इस्तेमाल किया कौन सा आ, आ, कौन सी चीज इस्तेमाल की जोड़ने के लिए तो रावी कहते हैं कि फतेख रामी सिलसिलत मिनफवा तो टूटी हुई जगह पर सोने चांदी का तार लगवाया सिलसिलत मिनफवा चांदी का तार लगवाया तो ये रवायत है कि नबी सलाम का प्याला टूट गया तो नबी ने अपने प्याले को जोड़ने के लिए चांदी का तार इस्तेमाल किया तो चूंकि अब चांदी और सोना ये इस्तेमाल करना या इसका बर्तन बनाना हराम है लेकिन अब यहाँ देखिए प्याले को जोड़ना है तो इसमें चांदी बहुत मामूली लगती है हल्की सी लगती है तो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं चूंकि बर्तन को ज्वाइंट करना है तो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं है तो नबी सरा का प्याला टूट गया तो आपने टूटे हुए प्याले को जोड़ने के लिए चांदी का तार लगवाया हदीस का फिर देखिए दिया, दिया। चादी का तार यानी टूटी हुई जगह पर चादी का तार आपने लगवा दिया बना दिया तो अब जब चांदी का तार लगा दिया तो बर्तन ज्वाइंट हो गया अब बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं ये हदीस है इस हदीस से बहुत सारी बातें मालूम हुई नंबर एक नबी सलाम को गैब का इल्म नहीं था नबी सला को गैब का इल्म नहीं था अम्बिया गैब नहीं जानते हैं। ये कैसे मालूम हुआ अगर नबी को गैब होता तो आपका बर्तन क्यों टूटता कोई जान बुझ के तो अपना बर्तन और अपना सामान तो बर्बाद नहीं करेगा जाया नहीं करेगा नबी का प्याला टूट गया ये इस बात की बड़ी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तबिल की फ्यूचर की खबर नहीं थी कि क्या नुकसान होने वाला है क्या हमारे सामान की बर्बादी होने वाली है तो नबी सलाह का प्याला टूट गया ये प, ये दलील है कि आपको गैब नहीं था दूसरी बात ये हुई कि जरूरत बवक्त जरूरत बर्तन जोड़ने के लिए चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त जरूरत बर्तन जोड़ने के लिए चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी चांदी लगा सकते हैं अब उसमें खाना हो या पीना हो या वजू करना हो या नहाना हो आ, वो मना नहीं है क्योंकि यह मामूली सी चांदी लगाई जाती है ज्वाइंट करने के लिए ये एक मजबूरी है ये एक मजबूरी है जिसमें चांदी का तार इस्तेमाल कर ले तो हराम नहीं है जायज़ है इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया अगर ये हराम होता न तो नबी इस्तेमाल नहीं करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है बर्तन को जोड़ने के लिए चांदी का तार लगवाया है ये बड़ी दलील है कि चादी का तार बर्तन को ज्वाइंट करने के लिए जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हदीस में वही सुनाई गई है सोने और चांदी के बर्तन में खाने पीने से वो इस पर मुंतबिक नहीं होगी यानी उस पर शामिल नहीं किया जाएगा तीसरी बात ये मालूम हुई कि अपने सामान को जाया करने से बचना चाहिए अपने सामान को अपने सामान को जाया नहीं करना चाहिए देखिये नबी सरातन का बर्तन टूट गया आप चाहते तो, तो नया ले सकते थे उसको फेंक सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया सामान अपना है जब तक हम उसको इस्तेमाल कर, करना चाहें वो इस्तेमाल के लायक है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए उसको रिपेयरिंग करें उसको उसकी मरम्मत कराएं उसकी इलाह कराएं और उसको जोड़ जोड़ने की कोशिश करें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि वो अपने सामान को जाया नहीं करते थे जब तक उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए लायक हो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए उसको इस्तेमाल किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान को बर्तन को ज्वाइंट कर दिया जोड़ दिया तो इससे ये सबक मिलता है कि जो घर की जरूरत के सामान है उसको बर्बाद करने से बचना चाहिए जब तक उससे इस्तफा और फायदा उठाने की क़वत हो उसमें वो सलाहियत हो तब तक उससे फायदा उठाना चाहिए फेंकना नहीं चाहिए चौथी बात ये मालूम हुई कि नबी इसम बहुत मुतवास मुतवा थे सिंपल थे बहुत शानो शवकत टीप टाप शो शाइनिंग इन सब चीज़ों से परहेज करते थे सादगी इख्तियार करते थे तोज़ु इख्तियार करते थे देखिए नबी का बर्तन टूट गया आपने वही टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल किया ये नबी की सादगी है ये नबी का तवाजो है पांचवी बात मालूम हुई कि जिस बर्तन में चांदी का तार लगाया गया हो जरूरत के तहीं या जोड़ने के लिए या ज्वाइंट करने के लिए उस बर्तन में खा पी सकते हैं यानी जिस बर्तन में सोने और चा, जिस बर्तन में चांदी का तार लगाया गया हो जोड़ने के लिए या सोना भी लगाया गया हो मिसाल के तौर पर क्योंकि सोना बहुत कीमती होता है वो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा वो लगा कोई लगाएगा नहीं जितने का बर्तन नहीं वो ज्यादा सोने की ज्वाइंट करने की कीमत बन जाएगी तो चांदी चूंकि सस्ती होती है तो अगर कोई चांदी वगैरह का तार लगवा ले जोड़ने के लिए तो उस बर्तन में खा पी सकते हैं कोई मसला नहीं है पांचवी बात ये मालूम है घरों में जरूरत का सामान बर्तन वगैरह रखना चाहिए देखिए नबी के घर में बर्तन था प्याला था प्लेट थे तो ये अपने घर की जो जरूरत जरूरत के सामान है उसको रखना चाहिए जरूरत का सामान रखना चाहिए ये गलत नहीं है हाँ अलबत्ता इसराफ करने से परहेज करना चाहिए इसराफ करने से परहेज करना चाहिए यहां पर ये बर्तनों का जो बयान है यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे ये बाप खत्म हो रहा है खुलासा कलाम इस बाप का ये है कि सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना हराम है और चमड़े का बर्तन इस्तेमाल करना जायज है अगर उस पर दिबागत दे दिया गया हो तो चमड़ा पाक हो जाता है और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से यह बात याद रहे कि जिस बर्तन के लिए खाने पीने का इस्तेमाल करना मना है ऐसे उससे वजू करना या नहाना या गुसल करना यह भी मना है जैसे सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना हराम है तो उससे वजू करना और उसमें गुसल करना यह भी हराम है आखिरी बात यह मालूम है कि अगर बर्तन को ज्वाइंट करने के लिए अगर चांदी वगैरह के तार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो उतनी मामूली مقدار में चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिअत अता फरमाए और हमले सली की तौफीक अता फरमाए और सल्लल्लाहु नबीयना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबीही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू